वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आप रोजाना अपने आसपास इनको देखते हैं, लेकिन आज हम इन्हें विज्ञान की नजरों से देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अध्याय 4, पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि धातुएं कठोर होती हैं। जैसे कि मैं इसको तोड़ना चाहूंगी तो ये नहीं टूट सकती, मैं अपने हाथों के बीच में इसको दबाना दबा के तोड़ना चाहूंगी तब भी मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगी, इसका मतलब ये कठोर होती है। नेक्स्ट होता है कि धातुओं में चमक होती है। ये देखिए, ये हालांकि इसमें जंग लगा है, लेकिन अगर हम इसको एमरी पेपर से थोड़ा रगड़ते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए इसमें चमक आपको नजर आ रही है। ये हमारा हो गया सेकेंड गुण। थर्ड है हमारा गुण कि इसको इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण किसे कहते हैं? जब हम किसी भी पदार्थ को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे गुण को हम आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ये एल्यूमिनियम फॉइल है, जिसको इस तरह से चादर में परिवर्तित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम पतले पतले तारों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, सोने और चांदी के गहने बनाए जाते हैं, और हमारे घर में जो विद्युत का सप्लाई होता है उसके लिए जो तार होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। और चूंकि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, और उसी गुण के कारण हम इसको इस तरह से पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका गुण है वो ये है कि ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सेटअप तैयार किया हुआ है। हम देखते हैं, यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, और हम जैसे ही इसके साथ इसका कनेक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि ये बल्ब जलने लग रहा है। इसका मतलब कि ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक है। आइए, हमने ये देखा कि हम धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये कठोर होती है, नेक्स्ट हमने देखा इनमें चमक होता है, थर्ड हमने देखा ये आघात वर्धनी होती है, फोर्थ हमने देखा ये तन्य होती है, नेक्स्ट ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इस तरह से हमने इनके गुणों के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में। नेचुरली जब हम बात करते हैं, किसी दो वस्तुओं का भेद करते हैं, तो उनके गुण ठीक इसके उलट होते हैं, तभी हम इनको विभेद कर पाते हैं। तो आइए अधातुओं के बारे में देखते हैं। अधातुओं का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने, ये देखिए, ये कठोर नहीं होता है। कारण, जैसे ही मैं इसको अपने हाथों के बीच में दबाती हूं तो ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देखिए कैसे टूटकर ये टुकड़े टुकड़े हो गया है। मैं इसको अपने हाथों से भी तोड़ सकती हूँ, तो ये कठोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम इसको पीट कर पतली चादरों में हमने परिवर्तित कर लिया था, लेकिन अगर हम इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो इसका मतलब हम ना तो इससे तारे बना सकते हैं और ना ही आघात वर्धनीय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम हमारे किचन में देखते होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा बर्तन धातु का बना हुआ है और इसका जो हैंडल है वो अधातु का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको गैस पर रखते हैं तो गर्म होते ही ये बर्तन इतना गर्म हो जाता है कि हम इसको अपने इन हाथों से पकड़कर उतार नहीं सकते हैं। इस पर्पज के लिए हम इसमें जो हत्था लगाते होते हैं वो अधातु का लगाते होते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हमने इसके देख लिए गुणधर्म। उसमें सबसे पहला ये कि ये कठोर अधातु जो है कठोर नहीं होते हैं, इनमें चमक भी नहीं होती। जैसे आप देखेंगे, इसमें चमक भी नहीं है, इनमें ये कठोर नहीं होते हैं, इनमें चमक भी नहीं होती है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं होता है, इनमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है, और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।